पूज्य गुरु मैया प्रणाम, ओम सर्वात्मने नमः। माँ, कई बार सुना है होई सोई जो राम रच राखा, कि वही होगा जो राम ने सोचा हुआ है, राम जो करेगा वो होगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि तो फिर अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम अपना कर्म छोड़ दें, कि मतलब कुछ इसमें कन्फ्यूजन जैसा लगता है, तो ये कुछ कन्फ्यूजन हमारा दूर करें तो बहुत कृपा होगी जी। दो बात का रेफरेंस मिलता है आपकी बात में, एक तो चौपाई रामचरित मानस की, हई सोई जो राम रचि राखा, कोकरे तर्क बढ़ावे राखा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है इंसान की ज़िंदगी में कि भाई सब हर प्रकार का पुरुषार्थ प्रयत्न हम कर ले, इसके बाद भी परिणाम जब कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, तब ये तो अंतिम अंतिम सहारा है, या सहारा भी नहीं कहूँगी मैं, ये तो अति ज्ञान है कि अस्तित्व पर छोड़ दो। हई सोई जो राम रचि राखा, उसने जो उठाना है उस पर छोड़ दो। लेकिन हाँ, जो दूसरा आपने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वो दास मलुका का है। तो मैं ये कहूँगी कि ये मलुका ने जो भी कहा है, मलुक साहब ने जो भी कहा है, वो आलसियों के बारे में नहीं कहा है, आराम खाओ लोग हैं उसके बारे में नहीं कहा है, भ्रष्टाचारियों के लिए के बारे में नहीं कहा है। वो तो एक परम भरोसे की अवस्था में उसने कहा है कि सबके दाता राम। एक बार शिवाजी को अहंकार आ गया कि मैं मेरी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। तब उसकी गुरुजी समर्थ रामदास ने कहा, शिवा चल मेरे साथ, एक पर्वत पर लेकर गए। और समर्थ रामदास जी ने एक छोटी सी लकुटी रखते थे, पतली सी, उससे एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाया तो उसके नीचे तो हजारों की तादाद में चींटियाँ थी, और हर एक चींटी के मुंह में छोटा छोटा दाना था। तब कहा गुरुजी ने कि शिवा, वाह, बहुत अच्छी तरह से तू तो सबका पालन पोषण कर रहा है, तेरे राज्य के इन चींटियों के मुंह में भी तू दाना देकर जाता है। तो ये मनुष्य को जो अहंकार ना आए कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ गुरु इस तरह से उसको ज्ञान देते हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इसका मतलब ये है कि आप रोटी के लिए किसी की गुलामी ना करो, आप रोटी के लिए कोई गलत काम ना करो, आप रोटी के लिए पेट भरने के लिए कोई पाप न करो। और अगर पुरुषार्थ भी नहीं करना है आपको तो मत करो, बाहरी पुरुषार्थ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन सुमिरन तो करो बैठे बैठे, बात ये है। थैंक यू माँ। कई बार तो ऐसा होता है कि शायद आज बहुत अच्छा हुआ कि ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि साहित्य इतना अच्छा है कि उसकी भाषा को किस तरह से समझें, कई बार हम जैसे युवान भटक जाते हैं। खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू गुरु भैया। ओके, थैंक यू।